काफ़ी बड़ा है ये, और यहाँ से पूरा एकदम लग रहा होगा कि पूरा एकदम यूरोपियन लग रहा है, कि यूरोप पे है एकदम। मैं बस के अंदर बैठ गया हूँ, ये वैसे तो बस जा रही कोलंबो तक, लेकिन ये बीच में रास्ते में उतार देते हैं, तो ये कुछ ऐसा है। और हम लोग आ गए गाल पे, और यहाँ से बस मुझे जाना है अपने हॉस्टल तक। बारिश भी हल्की हल्की हो रही है बूंदा वाली, तो बस पहुँच गए अपने हॉस्टल। हॉस्टल यहाँ से बस एक मिनट की दूरी पे है, और हल्की हल्की बारिश हुई तो मैंने अपना छाता भी निकाल लिया, और ये हम पहुँच गए अपने हॉस्टल। तो ये बेसिकली ये ओनर का घर है ये, और यहाँ पर रूम्स है, और मैं वहीं रह रहा हूँ। तो एक दिन का पड़ा यहाँ पर लगभग इंडियन करेंसी में देखें तो 310 या 315 रुपये, तो ठीक है भैया। तो थोड़ी नींद लेने के बाद अब मैं जा रहा हूँ गोल्फपुर की तरफ। गोल्फपुर यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। तो ये जिस ऑटो में मैं बैठा हूँ उसको मैंने पिक मी ऐप से बुक किया, तो ये मुझसे लगभग 120 रुपये लेगी श्रीलंकन फीस में, तो कोई बुरा नहीं है। भाई यहाँ की रोडें तो ऐसी लग रही है जैसे कोई यूरोपियन कल्चर हो। एक्चुअली गॉल की हिस्ट्री ऐसी है कि यहाँ पर पोर्चुगीज़ की कॉलोनी भी रह चुकी है, डच भी रह चुकी है, और रिसेंटली हमारे यहाँ जैसे ब्रिटिशर्स थे वैसे इनके यहाँ भी ब्रिटिशर्स की भी कॉलोनी है, तो उसका इफेक्ट इस पूरे सिटी के इस एरिया पर दिखाई भी देता है। तो अभी बस इधर फोर्ट की तरफ आ गए, और सामने एक लाइट हाउस है, बड़ा फेमस है यहाँ का लाइट हाउस। वो लाइट हाउस बड़ा फेमस है यहाँ पर। मैं सोचा आइसक्रीम खा लूँ, लेकिन मेरा गला ख़राब हो गया है। सबसे पहले बीच एरिया, ये फोर्ट एरिया है, तो लोगों के मैंने ड्रोन्स में देखा बड़े अच्छे शॉट आते हैं, लेकिन अभी तो मेरे पास ड्रोन्स नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ एक ये मेरा गोप्रो साथ में चलता है हर जगह, तो मैं आपको ऐसे ही दिखा सकता हूँ कि ये कितना अच्छा है। पता नहीं क्या नाम है इसका चर्च का, रुको पता करता हूँ। एक्सक्यूज मी, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस चर्च? Mosque. Oh. Okay. लो भाई ये मॉस्क है, चर्च नहीं है। तो मेरे पीछे इधर एक मॉस्क, और उसके बगल से जाती कुछ अंदर तक रोडें, और ज़्यादा ऊंचा घर नहीं होता है, ये एक फ्लोर के ही घर होते हैं जो इस स्टाइल में बनते हैं, हट स्टाइल में है ये। और ये रहा सामने लाइट हाउस। मेरे पीछे हो रहा है गोल का सनसेट, और उधर हो रही है मुस्लिम की प्रेयर। शाम का वक्त अंधेरा हो चुका है। 100 भाई, एक तो इतने सारे आम, वो भी इतने खट्टे खट्टे, दिमाग खराब हो गया खा के। यहाँ सामने लाइट हाउस था, उस पर लाइट जल गई है। ये यहाँ पर सुमिनियर की शॉप है, काफ़ी अच्छी है इधर। और मेरे पीछे ये कोमोडो ड्रैगन। श्रीलंका में जेम ज्वेलरी और टी ये सब काफ़ी फेमस है, स्पाइसेस ये सब फेमस बहुत। छोटा यूरोप लग रहा है बेसिकली, श्रीलंका के बीच में छोटा सा यूरोप कह लो।
अच्छा है काफ़ी। बिल्डिंग जो है इनकी स्टाइल एक अलग तरीके की है, छोटे छोटे घर हैं हट की तरह। क्या है, कोई अरेबिक कॉलेज है पीछे। श्रीलंका टी का एक इम्पोर्टेंट एक्सपोर्टर भी है और दुनिया भर में श्रीलंका से टी बन के जाती है, तो यहाँ पर बहुत फेमस है यहाँ पर टी यानी कि चाय। गाले के गलियों में घूमने के बाद एक छोटा सा रेस्टोरेंट मिल गया है और यहाँ पर मुझे मिल गया है यहाँ का लोकल डिश कोटू, वो भी 80 इंडियन रुपीज़ में, यानी कि इनके 200 रुपीज़ के हिसाब से। और जबकि मैं बाकी जगह देखा जितने इटालियन है जो भी रेस्टोरेंट थे वहाँ पर 500-600 श्रीलंकन करेंसी में था, जबकि यहाँ 200 में मिल गया, तो बढ़िया पैसा बच गया मेरा। हॉस्टल था 2 किलोमीटर दूर, मांग रहा था 200 श्रीलंकन रुपीज़। मैंने सोचा क्यों दूँ उसको, पैदल ही चलते हैं, रास्ते में फिर कुछ होगा तो पैक करा लेंगे खाने के लिए, यही तो मज़ा है। गुड मॉर्निंग गाइस, और आज है डेट 7 अक्टूबर 2019 और अभी मैं हूँ गोल में, पीछे है मेरा जो होटल हॉस्टल जो भी कह लीजिए, और मैंने मंगाई है एक ऑटो पिकनी ऐप से जो कि ये पीछे देख सकते हैं आप लोग, टू गोल फोर्ट। मैं नॉर्थ में हूँ, उत्तर प्रदेश दिल्ली की तरफ, हाँ यूपी से हूँ, आप जानते हो यूपी। तो ये म्यूज़ियम अभी खुला रहेगा क्या? हाँ हाँ मिलता है। हाँ तो म्यूजियम ही पास में ही है ना शायद? म्यूजियम का पास 9 बजे बाद खुलता है म्यूजियम, तो अभी तो 10:30 हो रहे हैं। हाँ अभी खुलता है, खुलता खुल गया होगा ना, तो म्यूजियम की तरफ भी उतार दीजिएगा आप हमको। हाँ ओके ओके, निकल जाएगा उसके बाद, उसके बाद लाइट हाउस में चला जाऊँगा पैदल चल के। चला कितना दिन श्रीलंका? ये मेरा पाँचवा दिन है। पाँच दिन? हाँ पाँचवा दिन, आज 5th डे है मेरा, मैं वापस जा रहा हूँ इंडिया 9th को। अभी 9 तारीख को जा रहा हूँ चेन्नई तक के लिए फ्लाइट है। सामान पूरा खरीद किया? हाँ सामान खरीद किया, हरी मिर्ची काली मिर्ची बहुत अच्छा वाला है ना श्रीलंका में। श्रीलंका में बहुत खर्चा है? बहुत अच्छा है। क्या चीज़? काली मिर्ची ब्लैक पेपर। ओके अच्छा सामान मिलता है। अच्छा अच्छा बहुत इंडियन लोग लेके जाएगा इधर से। अच्छा अच्छा बताइएगा कुछ अगर अच्छा हो तो। इधर क्या चीज़ है ये बताइए? फोर्ट कहना है, फोर्ट का किला का ये क्या है? ये क्या बाउंड्री? बाउंड्री आपको मालूम है, बहुत लोग यूरोपियन लोग इधर श्रीलंका आया। हाँ इंग्लिश लोग आया। हाँ। उसका इतना गेट है जहाँ से आप ले चलो वो अंदर गेट है। गेट है सर, गेट है। अच्छा आप ले चलिए दूसरा गेट भी है। हाँ म्यूजियम उधर ही। अच्छा जहाँ से पास पड़े आप 5 हो जैसे जहाँ से पास पड़े 5 हो। गेट अंदर ले अंदर में। हाँ जहाँ से पास पड़े। अरे चलिए अब कहीं पर भी छोड़ दीजिए। लाइट हाउस से कितना दूर है म्यूजियम? पास में ही है लाइट हाउस का, बहुत सामने है, जाएगा फिर लाइट जाएगा। पास में ही है बाय 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 सी यू या।
काफ़ी बड़ा है ये, और यहाँ से पूरा एकदम लग रहा होगा कि पूरा एकदम यूरोपियन लग रहा है, कि यूरोप पे है एकदम। यहाँ पर एक्चुअली यूरोपियन कॉलोनी भी रही है ना, तो उसका इफेक्ट अभी भी देखने को मिलता है, पोर्चुगीज डच ब्रिटिशर्स सबका देखने को मिलता है। रोडे भी एकदम अलग है, मतलब गॉल तो एकदम मस्ट है आना अगर आप श्रीलंका में आ रहे हो तो, एक अलग तरीके का बढ़िया एक्सपीरियंस रहता है इधर आने में। एक स्पेशली एक ये एरिया है, इस एरिया पे स्टे मत करिए, बस एक दिन घूमने आ जाइए, तो ऊना वटूना एक पास में एक जगह है वहाँ से, या फिर गोल में थोड़ा बाहर आप ले लो अपना हॉस्टल और वहाँ से आ जाओ यहाँ घूमने, यहाँ क्योंकि रुकने में महंगा पड़ेगा। ये है म्यूज़ियम का एंट्रेंस, और यहाँ पर फीस लग रही है $5, यानी कि लगभग 900,000 रुपये लग रहे हैं श्रीलंका। तो मैं सोच रहा हूँ कि स्किप कर देता हूँ उसको, और ये एक पैम्फलेट है इसमें देख लेता हूँ कि कुछ अगर इम्पोर्टेंट हो तो क्या होगा। वही तोपे होंगी अंग्रेज़ों के ज़माने की, या फिर जो उससे पहले पुरानी तोपे होंगी ये सब। इससे बढ़िया मैं यहाँ सिटी वॉक करता हूँ, सबसे अच्छा हुआ है। ये जो मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं ना, ये है हाई कोर्ट गाल का। अपने इंडिया में भी कुछ ऐसी जगह है वैसे, पुडुचेरी हो गया, फिर गोवा में भी कुछ जगह दिख जाता है ऐसा, कई जगह दिख जाता है। भाई इतने दिन हो गए, तो एक दिन श्रीलंका में कोकोनट वाटर पी लो यार। लाल नारियल का पानी और उसका मलाई खाने के बाद अब जाते हैं सीधे लाइट हाउस की तरफ, जहाँ मैं कल भी गया था। लेकिन कल क्या हुआ था कि शाम का वक्त था तो फोटोज अच्छी आई थी, लेकिन अंधेरा हो गया था, मैं चाहता था कि एक बार और देखूँ उनको, बहुत अच्छा था वो जगह। तो इसलिए आज सुबह मैं फिर इसीलिए आया हूँ कि एक बार इस एरिया को फिर से एक्सप्लोर करूँ और लाइट हाउस के आसपास का व्यू इस समय अच्छे से करूँ, क्योंकि इस समय पीक पे है धूप, तो आराम से अच्छे मिल जाएंगे। पीछे है मेरा लाइट हाउस जो कि आप लोग देख सकते हैं। और मैंने मंगा ली है पिकमी ऐप से एक ऑटो जो कि ले जाएगी मुझे वापस मेरे हॉस्टल तक। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और मैं अब जा रहा हूँ अपने हॉस्टल, थोड़ा सा पैक करना सामान फिर निकलना है आज बेंटोटा के लिए। बेंटोटा भी एक तरह से देखा जाए तो सी शोर पर ही है, और मेरा एक दिन वहाँ पर भी स्टे है। पैराडाइज हॉस्टल, यस 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 आई नो दैट लोकेशन। आर यू इंडियन? या आई एम फ्रॉम इंडिया। यस आई डू। मैं तो बढ़िया हूँ, आप बताओ कैसे हो? आप ठीक है? इंडिया का कौन सा लगा है? इंडिया का? हाँ, मुंबई। ओह, इंडिया के मैं नॉर्थ से हूँ। नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश अगर आपने सुना होगा। कितना सर इधर पे का? इधर मेरा पांचवा दिन है ये। पांचवा दिन? हाँ, अभी मैं दो या तीन दिन और रह के
9 तारीख को वापस जा रहा हूँ चेन्नई। नहीं नहीं वहाँ भी नहीं। तो अभी मैं अपने हॉस्टल में हूँ गॉल में, और ये प्रॉपर्टी बेसिकली इनका घर है और ये नीचे रूम दे देते हैं। तो ये मैं काफ़ी रिकमेंड करूँगा क्योंकि मैंने सिंगल बेड लिया था और इंडियन करेंसी 300 रुपये पड़े थे, लेकिन इन्होंने पूरा रूम भी दे दिया तो फुल प्राइवेसी मिल गई यार 300 रुपये में। और गॉल फोर्ट से ज़्यादा दूर नहीं है, ऑटो टुक टुक से आप जा सकते हो, तो ये हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन जाकर देख सकते हो, उसका नाम मैंने दे दिया है।